हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में स्वागत है आपका। रीजनिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज ग्रुप डी में होता है, इसलिए मैंने बार बार बोलता हूँ, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि रीजनिंग पे भी ध्यान दो। और मैंने आपको टारगेट दिया था लास्ट वीडियो जो मैंने कल बनाया था कि 45 डेज आप अच्छे से जो भी वीडियोज पढ़ रही हैं चैनल पर उनको आप देख लो, उसके बाद खुद से आप अपने अंदर बदलाव महसूस करोगे। ठीक, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इसको हम लोग करने वाले हैं और इसमें लगभग 30 क्वेश्चन करेंगे। और आप लोगों में से कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि क्वेश्चन को थोड़ा लेवल अप करो, तो यहाँ पे लेप अप करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं अप करूँगा लेकिन अभी नहीं करूँगा। जैसे ही थोड़ा सा टाइम थोड़ा स्पेंड हो जाने दो, आप थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं उनको आप करना सीख जाओ, उसके बाद हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है या फिर NTPC का फॉर्म डाला, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन कोई भी प्रैक्टिस सेट आप बाई करते हैं, ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद अगर जो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में फॉलो कर सकते हैं SudhirMDL सर्च करके। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रीजनिंग के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। रीजनिंग लगाने से पहले आप एक काम कर लो, ठीक है, मैंने 45 दिन बोला था तो कुछ चीज़ें तो आपको देता ही रहूँगा बीच बीच में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आप क्यूब याद करो, स्क्वायर ऐड कर डालो 30 तक, क्यूब याद कर डालो 20 तक, ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो तो आपको याद होंगे लेकिन उनके नंबर्स आपको रटने पड़ेंगे। बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, कैसे याद करोगे, यम का क्रम कौन सा होगा, यम का जो रैंक कौन सा होगा, यानी कि 26वें नंबर पे जेड होता है तो पहले नंबर पे ए होता है, 5वें नंबर पे ई होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी सवालों को, प्रश्नों को जल्दी लगाने के लिए। ठीक, ये याद कर लीजिएगा। आपको जो पहला टॉपिक होता है एनोलॉजी का, उसको लगाने के लिए आपको देशों की राजधानियां, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कैपिटल, और क्या बोलते हैं स्टेट के आपके राजधानियां, स्टेट की प्रधानमंत्री, स्टेट के राज्यपाल, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा एक तरह से रीजनिंग में। तो इस हिसाब से रीजनिंग में मैथ भी हो जाता है, इंग्लिश भी हो जाता है, आपका सब कुछ हो जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो रीजनिंग लगाने से पहले उन सारी चीज़ों को सीख लो तो अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। आशा है आपने अभी तक जितना मैंने इतना सारी चीज़ें बताया उसके बीच में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पे लिखा है आपका बीरबल, बीरबल की खिचड़ी होती है ना, तो बीरबल यहाँ पे लिखा है। उसके बाद इसको बीरबल को कोड भाषा में हम लिख सकते हैं RIBLAB, ठीक, LAB लिख सकते हैं। तो हम डीजल को कैसे लिखेंगे, आप देखो इसको तीन तीन में बांट लो। आई के नीचे आई है, ए के नीचे ए है, इस बी को इधर किया, आर को इधर किया, बी को इधर किया, एल को इधर किया, ठीक है, ठीक यही काम कर दो। तीन तीन में बांट लो, आप तीन में इसको बांट लो, तीन में इस पे ई लिखोगे, आई सेम का सेम नीचे, डी आपका इधर आ जाएगा, फिर एल इधर आएगा, ई सेम का सेम, यस, आप देखोगे ई आई डी एल एस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, COCK को यहाँ पे लिखा है ये। अब आप थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज हो गए लेकिन कन्फ्यूजन की बात ही नहीं होने वाली। आप देखो C का बाद क्या आता है, D आता है, C के बाद D आता है, D का जो नंबर आता है मैथ में आप देखो ABCD चौथे नंबर पे आता है, उसके बाद 4 लिखा है D4, ठीक। अब इसके बाद आ जाओ, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, ठीक है, हमने C किया D4 आया, ठीक है, C के बाद D आया और D का हो गया D4, ठीक है। उसके बाद ओ के बाद आता है हमारा पी, ओ के बाद आता है हमारा पी आता है अल्फ़ाबेट में, आप ABCDMNOP आता है। पी का जो रैंक होगा अगर जो आप लगाओगे याद करोगे तो पी का रैंक होता है 16। अब मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ, D4 हो गया, मैंने लिखा पी का रैंक हो गया 16। उसके बाद सी के बाद फिर से डी आता है, डी का रैंक हो गया 4। उसके बाद के बाद यल आता है, यल का रैंक हो गया 12। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर D4 लिखा है, P6 लिखा है, यानी कि इकाई का अंक ही सिर्फ लिखा है। उसके बाद D लिखा है, D का 4 लिखा है, फिर 12 का आपका सिर्फ 2 ही लिखा है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है यहाँ पे, तो या ये इसमें प्रश्नों को सॉल्व कर दे, H के बाद क्या आता है, H के बाद I आता है, I का रैंक होता है 9, ठीक, E के बाद D आता है, E के बाद F आता है, F का रैंक होता है 6, N के बाद क्या आता है, O आता है, N का O का रैंक होता है 15, लेकिन 15 का आप लिखोगे इकाई का अंक सिर्फ 5 लिखोगे, यानी कि O5 हो गया। C के बाद D आता है, D4 हो गया, ठीक है, D4 हो गया, E के बाद F आता है, F6 हो गया।
आंसर निकल के आ गया है। आप देखोगे I9F6, I9F6 05, D4F6 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही करते जाओ, आपकी जो रीजनिंग है बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर जो आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको बहुत आगे ले जाएगी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, कथन एवं निष्कर्ष, ठीक। कथन देखो क्या लिखा है, सबसे पहले इसमें कथन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद निष्कर्ष के हिसाब से देखना है क्या कथन को वो परिभाषित सही से कर रहा है। नहीं तो कथन है, रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। रवि की अपनी कंपनी है उसमें 100 लोग काम करते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ दिया ही नहीं है। रवि की अपनी कंपनी है उसमें 100 लोग काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, बस। निष्कर्ष पे आते हैं तो पहला निष्कर्ष, रवि एक उद्यमी है। जाहिर सी बात है, अगर जो रवि की कंपनी है उसमें 100 लोग काम करना, तो रवि एक उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, ठीक है, उद्यमी है। तो ये तो आपका पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। रवि एक अच्छा व्यक्ति है, क्या व्यक्तित्व के बारे में इसमें कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो सिर्फ आपका निष्कर्ष 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आकृति के निकटतम समानता को दर्शाता है, ठीक। अब ये वाली आकृति है, इसके समान कौन सा दर्शाता है, तो इसमें देखोगे इधर ये आपका ये तो होगा नहीं क्योंकि इधर में खाली है। इसको देखोगे यहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर, यहाँ पे टच कर, ये तो होगा नहीं। इसको देखोगे तो यहाँ पे ये गायब है, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ जाहिर सी बात है ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, प्रश्नवाचक स्थान के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। अब देखो यहाँ पे देखना थोड़ा तरीके से, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस प्रकार से ब्लॉक है, ठीक, फिर इस प्रकार से ब्लॉक है, आगे क्या किया इसको इसके अंदर कर दिया उठा के, तो इसमें भी सेम चीज़ इसके ऊपर रखा, तो आप क्या करो इसको उठा के इसके अंदर करो, आप ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा। ये रीजनिंग का है, रीजनिंग ऐसे ही आएंगे ग्रुप डी में, ठीक। कठिन आएंगे, कठिन आएंगे, मैंने आपको बोला है भाई कठिन आएंगे, लेकिन 4 से 5 प्रश्न कठिन आएंगे, पूरे कठिन नहीं आएंगे। मैंने कल बताया आपको, पूरा समझाया, जाके देखो 20 मिनट का वीडियो है, मैंने बार बार बोला कि आपको पूरे नहीं करने, और रीजनिंग में ध्यान रखना आपको 26 तो करने ही नहीं, 25 से 26। जो बच्चा रीजनिंग में 20 करके अभी खुश हो रहा है ना यार, खुश तो हो लोगे, लेकिन जीके में जब आपको पीछे से लात मारेगी ना, जीके थोड़ा गलत बोल जाता हूँ कभी कभी, तो आप पछताओगे कि यार जीके ने धोखा दे दिया। तो ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग आपको संभालेगी, मैथ आपको संभालेगी, साइंस आपको संभालेगी, ठीक है। तो रीजनिंग पे फोकस करो, थोड़ा सा जीके उके रख दो, बाद में करंट अफेयर्स है उसको पढ़ते रहो। चलो ये वाला देखो क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या होगा, 37 7 है, 125 की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 5 35 होगा, तो 25 5 125 हो जाएगा, तो 25 का आंसर आएगा, नहीं इसका आंसर 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 यहाँ रखते हो अगर जो, तो 25 5 का गुणा करोगे 125, 7 5 35, तो ये आपका 25 ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर जो चाहो यहाँ पे एक्स रख लो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, 35/7 गुणे बराबर 125/x, तो 125/7/35 काटोगे आपका 25 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चंस को देखो क्या कहा है, प्लस के जगह पे माइनस, गुणे के जगह पे भाग बन जाता है, तो इसका मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करो यार, प्लस जहाँ पे भी है वहाँ माइनस कर दो, 175 प्लस है, माइनस किया 160, फिर हमने एक ब्रैकेट को बंद किया, गुणे के जगह पे भाग किया, 50 लिखा, ये ब्रैकेट को बंद किया, गुणे के जगह पे भाग लिखा 10। इसको सॉल्व करना है, आप 175 में से क्या घटाओगे, 160 घटाओगे, कितना आ जाएगा, 15 बचेगा, 15 भागा 50, उसके बाद क्या है, भागा 10, आप 15 में 50 का भाग दोगे 0.3 आएगा, फिर भागा 10 है ना, उसको भाग दे देना 0.03 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा, दिमाग लगेगा टाइम वेस्ट करने के लिए, ये आपको फंसाया जा रहा है मैथ की तरफ से, और ऐसे प्रश्न आते हैं कि थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, लेकिन अगर जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप ऐसा कर लोगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक चार्ट दिया है, दिए गए चार्ट के अनुसार किस वर्ष स्टोर बी में बिक्री 13 लाख से ज़्यादा है। अब यहाँ पे देख लो, पहले मैं बता देता हूँ, ये वाला स्टोर ए है, ये वाला स्टोर बी है, ये वाला स्टोर सी है, तो किस वर्ष बिक्री 13 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पे देखो ये वाला आपका लाख दिया, अब देखो ये स्टोर बी है, इसमें स्टोर बी में आपका 12 लाख है, इसमें स्टोर बी में 8 लाख है, इसमें स्टोर बी में 14 लाख है, यानी 13 लाख से ज़्यादा है। वर्ष एक में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 लाख से ज़्यादा है,
ये वाला क्वेश्चन देखो, सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, सुंदर सुंदर ही होगा, पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। हम मैप बनाने की ज़रूरत नहीं होती बार बार, लेकिन मैं बता देता हूँ, देखो हमारा जो मैप बनता है, आप बना सकते हो इधर पूरब बना सकते हो, इधर पश्चिम बना सकते हो, इधर उत्तर बना सकते हो, इधर दक्षिण बना सकते हो। तो सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से मान लो सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और सीधा चलना जारी रखता है, तो वह किस दिशा में है? अब देखो यहाँ पे कौन सा दिशा है, पश्चिम, ये इधर ही है ना, तो पश्चिम दिशा में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं, वेन आरेख से निम्नलिखित वर्गों को सही संबंध में दर्शाना है। बर्तन, आभूषण, सिल्वर, क्या आभूषण से बर्तन बनते हैं? सिल्वर, यहाँ पे देखो सिल्वर एक ऐसा चीज है जिससे आप बर्तन भी बनते हैं, जिससे आभूषण भी बनते हैं, तो क्यों ना इस प्रकार के आरेख बन जाए, यहाँ पे सिल्वर हो जाएगा, यहाँ पे आभूषण हो गया, यहाँ पे बर्तन हो गया, सही है ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित नहीं है, नींबू है, इमली है, चीनी है, कच्चा आम है, नींबू इमली खट्टे हैं, कच्चा आम भी खट्टा ही होता है, चीनी मीठा होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि चुनना है, आप यहाँ पे दर्पण छवि बना सकते हो, दर्पण छवि बना सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से होगा, और ये जो इधर है वो इधर आ जाएगा, यानी कि ये आपका ये 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 होगा, इस प्रकार से आपका छवि होगा। तो आंसर देखो ऐसा कौन सा है आपका, इसमें ऑप्शन की देखोगे तो दर्पण छवि के हिसाब से ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर मैंने बनाया था ना, सेम ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा होगा? अगला अक्षर बताना है, तो जेड के बाद यक्स है, एक्स के बाद वी है, वी के बाद टी है, टी के बाद आर है, आर के बाद पी है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ें बन रही हैं, एक्स वाई जेड, यानी कि ये जो चल रहा है सीधा क्रम ले जाओ, ठीक है, पी के बाद क्यू आर, यानी कि पी के बाद क्यू आर आया है, यानी कि प्लस दो हो रहा है, इधर से हम चल रहे हैं, इधर से आप इधर से चलोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उल्टा चलोगे, आप सीधा उल्टा चला दो, आर के बाद टी कब कैसे आएगा, प्यू क्यू आर यस टी, यानी कि प्लस दो किया है, टी के बाद यू वी यानी कि प्लस दो किया है, इसी के बाद पी के बाद क्या आएगा, पी के पहले क्या आएगा, प्लस दो आओगे यन यम यन ओ पी, ठीक यहाँ पे आ गया, ये ऑप्शन नंबर कौन सा सी राइट हो जाएगा। ठीक, या तो आप माइनस इधर से करते जाओ, ये क्रम ही बन रहा है, सब में जो जो जितने का अंतर है उतना वाला अंतर यहाँ भी ला दो, आंसर निकल के आ जाएगा, या ना रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दी गई श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो 9D, 8E, 7E, 7F, 6G, 5H, ठीक है, तो इसको देखो कैसे करना है आपका, यहाँ पे देखो आप 9D है, 8E है, 7F है, 6G है, 5H, ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ में आ जाएगा क्या क्रम चल रहा है। अब देखो 5, 6, 7, 8, 9 ही क्रम चल रहा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, DEFGHI, 4I आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बस ऐसे ही करते चलो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से होगा, रीजनिंग ही तो है, ठीक है, क्या बवाल खड़ा करते हो, रीजनिंग ही तो है, रीजनिंग होगा लेकिन लगाओगे तब होगा, प्रैक्टिस करोगे तब होगा। अब देखो ये जो चिन्ह है इसको हम मोड़ देंगे, इसमें दिया इसे बिंदुदार जो रेखा पर मोड़ दिया जाता है, तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी सीट के समान होगा, तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यहाँ पे फिगर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित चित्र से लगभग मिलता जुलता है, इस चित्र से लगभग मिलता जुलता है, तो इसमें देखोगे लगभग मिलता जुलता में ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये डी आला हो जाएगा, ये इससे लगभग मिल रहा है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6:45 बजे घड़ी की सुई एवं मिनट के बीच निर्मित दो कोड़ों में से छोटे कोड़ का माप क्या हो, देखो इसका एक ही फॉर्मूला आता है, कोड़ बराबर फॉर्मूला आप रख लो 6H - 11M/2, 6H मतलब घंटे, यम माने मिनट, यानी कि 6H, यानी कि 6H आप इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह का इशू हो जाता है, 6H मतलब 6H माने घंटे, यानी कि 6 वाला ये घंटे है, 6 ठीक है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, कोड़ बराबर होता है 60H
माइनस 11m बटे 2। तो हम यहाँ पे पुट अप करते हैं 60 यस, यानी ये वाला घंटा है गुणे 6 माइनस 11 यम कितना है, मिनट कितना है 45, 11 गुणे 45 बटे 2। इसको सॉल्व कर देना, आपका 135 बटे 2 आएगा, यानी कि जो एंगल निकल के आएगा 67.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर से मैं फॉर्मूला बताता हूँ, 60h माइनस 11m बटे 2, इस प्रकार के क्वेश्चन है, कोड पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका घड़ी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कोड पूछे तो। विषम की पहचान करना, आप देखो विषम की पहचान करना कितना ही सिंपल है, देखने से ही पता चल जाता है। सारी आकृतियों में गौर करना, ये इसका तो 1/4 भाग दिखाया है, इसका भी 1/4 भाग दिखाया है, इसका 1/4 भी दिखाया है, इसका 1/3 भाग दिखाया है, ठीक है, सॉरी इसका क्या कह सकते हैं 3/4 भाग दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, विषम हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ये फिगर नंबर सी, यानी कि इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित वर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख क्यों चुना है, कैमरा मेज फर्नीचर, ये बताओ मेज फर्नीचर में आपका कोई कुछ संबंध बन सकता है, मेज फर्नीचर, मेज फर्नीचर, फर्नीचर की बात करें तो मेज तो फर्नीचर ही अंतर होता है ना, तो मेज फर्नीचर के अंदर आ जाएगा, कैमरा डिफरेंट, तो आपका इसमें देखो कौन सा आंसर होगा, आपका ये वाला ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पॉट को हमने लिखा ये, तो ऑट को किस कोड में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या किया है, पी ओ टी, पी का क्रम क्या है आपको पता होना चाहिए, पी का क्रम 16 है, ओ का क्रम की बात करें ओ का क्रम 15 है, और टी के क्रम की बात करें 20 है, ठीक, ये तीनों क्रम हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखा कितना 15, 14, 19, तो यार 16 में से एक करोगे माइनस करोगे तो 15 ही तो आएगा, 15 में से एक माइनस करोगे 14 ही तो आएगा, 20 में से एक करोगे 19 आएगा, यानी कि आपको पता चल गया क्या किया है, तो सेम करो ओ यू जी एच टी करो, ऑट करो, ऑट का यानी कि ओ का क्रम क्या है 15, यू का क्रम है 21, जी का क्रम है 7, एच का क्रम है 8 और टी का क्रम है 20, सब में माइनस कर दीजिए, 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, उसके बाद 21 माइनस 20 14 20 14 20, 7 में से गया 6, 8 में से गया 7, उसके बाद आपका 19, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक, देखो मैच कर रहा है, सेम इसी प्रकार से रीजनिंग के सारे क्वेश्चन होते हैं, कितना सिंपल तरीके से हो रहा है, रीजनिंग को हवा बना के चलोगे, हवा, ठीक, बस प्रैक्टिस आपकी अगर जो रही तो हवा बना के चलोगे। वेन आरेख है, वही क्वेश्चन है, सही संबंध को दर्शाना है, टेलीफोन वायुयान मकड़ी तीनों में कोई संबंध कहीं से दिखाई नहीं देता, यानी कि ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पैटर्न दी गई आकृति के पैटर्न के समान दिखता है, ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, समान दिखता है, आप इसमें देखो कहीं दो गोला है, इसमें ये वाला दो गोला है नहीं है, तो यानी कि आप ये वाले को काट दोगे खटाक से, नेग्लेक्ट करना सीखो रीजनिंग में, इसको भी नेग्लेक्ट कर दोगे और इसको भी नेग्लेक्ट कर दोगे आँख मूंद के, और यहाँ से ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, नेग्लेक्ट करना सीखोगे प्रश्न अपने आप लग जाएगा इस वाले में, ठीक है। देखो इसमें अगर जो आप खोजने चलते कि कौन सा होगा तो टाइम लगेगा, लेकिन आपने नेग्लेक्ट करना सीखा, तीन खत्म हो गए, एक ही तो बचा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, 31, 26, 21 क्या किया है, 26 के बाद 5 प्लस गया हो तो 31 आया, 21 के बाद प्लस 5 प्लस गया हो 26 गया है, तो यहाँ पे क्या कर दो 5 माइनस चले जाओ, आपका 16 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, क्या है 2a 4e 8i, इसमें अगला पद क्या होगा, मैंने बोला जैसा लिखना है लिख दो, 2 4 8 लिख लिया, अल्फ़ाबेट नीचे लिख दो, AEI लिख दिया, ठीक, AEI लिख दिया। अब यहाँ पे देखो A का क्रम है हमारा ABCDE, ठीक है, चलो 2 है 4 है 8 है 2 4 8, यानी कि 2 का किया हमने 4 का डबल किया 8 का डबल करेंगे 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में 16 है, हाँ 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे देखो AE के बाद E आया है, यानी कि जो क्रम है हमारा क्या गया है, A के बाद BCDE, यानी कि 4 प्लस गया, ठीक है, उसके बाद हमारा ये गया आई के बाद I E B C D E F G H I 4, ये भी प्लस गया, I के बाद J K L M, यानी कि ये क्रम देखो प्लस 4 जा रहा है,
प्लस चार, यानी कि चार अंक बढ़ रहा। आई के बाद चौथे नंबर पे क्या आएगा, आई के बाद जे के एल एम, यम आएगा, 16 यम आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पैटर्नों में से दी गई आकृति के पैटर्न्स के कौन सा समान दिखता है, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाओ यहाँ पे, बताओ कौन सा समान दिखता है। तो समान दिखता है बताना यार, ये वाला तो समान दिखता ही नहीं, इसको काट दो। मैंने बोला था, क्या बोला था, नेग्लेक्ट करना सीखो, नेग्लेक्ट करना ठीक गए सीख गए तो आपका आंसर बन जाएगा। अब ये देखो, ये तो काट दोगे, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला कहीं से समान दिखता नहीं, इसमें ये टच कर रहा, ये भी काट दोगे। अब ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। अब इस वाले फिगर को आप 180 डिग्री घुमा दोगे तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे बना है, ये कोने कोने पे बना दिए, इसको भी काट दोगे, ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। दी गई श्रृंखला में इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। देखो, जे के बाद के एल, एल के बाद एम एन, एन के बाद ओ पी, पी के बाद क्यू आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा फंसोगे आप, थोड़ा सा फंसोगे, लेकिन इतना भी नहीं फंसोगे कि आपसे सवाल ना हो, प्रश्न ना हो। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे लगाएंगे। 22D लिखा है, 22D लिखा है यहाँ पे। देखो, 22 के बाद हमने किया 24, 24 के बाद किया 26, 26 के बाद हम एक छोड़ के कर रहे हैं, तो एक छोड़ के हम यहाँ तो करेंगे, लेकिन हमारा यहाँ वाला निकालना है। ठीक है, चलो ये वाला क्रम छोड़ गया। उसके बाद हमने यहाँ 2 के बाद 4 किया, 4 के बाद हमारा यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आ गया, 6 आपका कोई आंसर है, 3 आंसर है 6। चलो हमको अभी अल्फ़ाबेट वाले भी सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या किया है, डी के बाद यहाँ पे ई आया है, डी के बाद ई आया है, ई के बाद एफ आया है, अब ये तो इधर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो छूटा है, पी के बाद, देखो पी के बाद ओ आया, यानी कि ओ पी ओ तो बन नहीं रहा है, ओ पी बन रहा है, ओ पी बन रहा है, यानी कि इधर से ये वाला क्रम चला है, यानी कि हमको एक ओ के बाद जाना है, यानी कि ओ के पीछे आके एक अक्षर देखना क्या होगा, ओ के पीछे आएंगे यन, ओ यन आएगा। ठीक है, ओ के पीछे आएंगे तो यन आएगा, तो यन हमारा यहाँ हो जाएगा 6 यन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लो। 11236 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल आपको याद कर लेना है यार, वर्गमूल याद कर लोगे, कैसे निकालना इसको आप सीख लेना। ठीक है, आप वर्गमूल 30 तक स्क्वायर सीख लेना, 20 तक क्यूब, लेकिन आपको वर्गमूल निकालने आना चाहिए, तो आप सीख लेना, थोड़ा सा यूट्यूब कर लेना, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सी 106 होगा। ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, एक दो क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, ग्रुप डी में, ये तो फिक्स है, इसको आप मैथ में ले लो या रीजनिंग में ले लो। तो चलो अभी वीडियो कहीं खत्म करते हैं, आप बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और ये साफ साफ बताना कि मज़ा आ रहा है नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप थोड़ा सा मोटिवेट हो रहे हो नहीं, आप थोड़ा सा सीख रहे हो कि नहीं, नहीं तो मेरे बताने का, मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो चलो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करना मत भूलना। मिलते हैं इस वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।